जागरूकता का है, लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, अपने घर में सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये समय रहता है जिस समय डेंगू बढ़ता है, अक्टूबर माह में बढ़ते हैं, यही समय है जो सबसे ज़्यादा डेंगू के पेशेंट्स आते हैं। एक्सपेक्टेड भी है कि इस समय हर साल अक्टूबर में बढ़ते हैं। जितना जागरूकता लोग रखेंगे, फ्रेश वाटर अपने घरों में ना रखें कहीं भी, उसको हटाते रहें। अगर 7 दिन ही फ्रेश वाटर रह जाता है तो उसमें डेंगू का लार्वा पनपता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डेंगू के मच्छर में और फिर डेंगू में। प्रिकॉशन रखें, जहाँ भी फीवर आए, कुछ इस तरह के डेंगू के लक्षण आए, तत्काल उसको डॉक्टर को दिखाएं। वो कोरोना के लिए स्थिति, अगर जो 3 दिन से ट्रेंड चल रहा है, ये चिंताजनक ट्रेंड है, ये लोगों को सेकेंड डोज तत्काल लगा लेनी चाहिए, इससे पहले कि अगर आगे कोई वेव आती है, इस तरह का कोई ट्रेंड दिख रहा है जिस प्रकार का, लोग सेकेंड डोज तत्काल लगा लें। और अभी भी 5-6 लाख लोग यहाँ पर हैं, हम लोग 250 हम लोगों के जगह पे वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं, किंतु टर्नआउट कम हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से, शहर के नागरिकों से, ज़िले के नागरिकों से अनुरोध करूँगा, जिसकी जिसकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है, पहली डोज लगा ली है, उसको तत्काल लगाएं उसको। और कोरोना को लेकर चिंतित हो जाएं लोग, जो 3 दिन से ट्रेंड दिख रहे हैं या जिस प्रकार का ट्रेंड रशिया में देखने को मिल रहा है, चाइना में देखने को मिल रहा है, इज़राइल में जो भी लॉकडाउन हुआ, या जिस प्रकार से किसी अन्य देशों में ट्रेंड दिख रहे हैं, उसको देखते हुए लोगों को सतर्कता पुनः रखनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। और सतर्कता के तहत सबसे पहले जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है वो तत्काल लगाएं। अगर कहीं फिर से वेव आती है कुछ दिनों में, तब ये वैक्सीनेशन का इशू भी हो जाता है, क्योंकि उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट ज़्यादा चलता है पेशेंट्स का, उस समय फिर वैक्सीनेशन होना दिक्कत भी रहती है थोड़ा। जितने भी लोग हैं जिनके सेकंड डोज ड्यू हैं, लगभग 5-6 लाख लोग हैं, उनसे अनुरोध करूँगा तत्काल सेकंड डोज लगाएं वो।